महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए गुजरात वडोदरा के हर थाने में महिला पुलिस की सी टीम का गठन। नागरिकों की सुरक्षा और सलामती के लिए अथक प्रयास करते हुए गुजरात पुलिस अपनी दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लगातार नवाचारों के साथ प्रयोग कर रही है। वडोदरा शहर के पुलिस आयुक्त के सुझाव पर और वडोदरा शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध और यातायात के मार्गदर्शन में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयास स्वरूप वडोदरा शहर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक सी टीम का गठन किया गया है। वडोदरा पुलिस की सी टीम पिछले 8 महीने से 24 घंटे वडोदरा शहर की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट उम्मीद, प्रोजेक्ट खुशी, प्रोजेक्ट जिंदगी जैसे अनेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत विविध हेल्पलाइनों का संचालन अत्यंत निष्ठापूर्ण तरीके से कर रही है। इसलिए सी टीम के प्रदर्शन से प्रभावित होकर सी टीम के प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए सीक्रेट किचन के मालिक आनल जी ने उनके नए रेस्तोरां साउथक के उद्घाटन अवसर पर वडोदरा शहर की सी टीम को उद्घाटन और दोपहर के भोजन समारंभ में आमंत्रित किया। 21 अगस्त को वडोदरा के चकली सर्कल से सैवतक परिसर तक सी टीम की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सी टीम के नोडल अधिकारी और पुलिस यातायात शाखा के सहायक आयुक्त ए.के. वनानी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर के.आर. बोरियावा और महिला पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर जे.आर. सोलंकी के साथ सी टीम की महिला कर्मचारी शामिल हुई। सी टीम के वरद हस्तों से रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा सी टीम के अधिकारियों व कर्मचारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि वडोदरा शहर के नागरिकों द्वारा सी टीम के कार्यों की लगातार प्रशंसा की जाती है और सी टीम द्वारा जन भागीदारी के साथ किए गए विभिन्न कार्यों में वडोदरा सिटी पुलिस के सकारात्मक प्रदर्शन को भी नोट किया जाता है।